के चक्कर में फंस गए और मेरे को मतलब ब्लेड करने लग गए, मारने भी लग गए थे, और मेरे को इतना दुखी करा उन्होंने कि भी मतलब बहू के चक्कर में। तो आप दोनों को शादी करनी है? ऐसा क्या दिक्कत हुई, इनके घर वाले नहीं मान रहे? हे गाइज, तो कैसे हैं आप लोग? गाइज, रोबिन के प्रैंक चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो कुछ अजीब मुझे लगा इसमें, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। सबसे पहले हमें अप्रोच किया इनके पति और इनकी बहू ने, और उन्होंने हमें बताया कि हमारी शादी करवा दो, लोग हमारी शादी नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उम्र का एक डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, एज डिफरेंस है तो लोग मान नहीं रहे हैं, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, इस तरह से उन्होंने हमारी टीम को हमें बताया। हमने बात करी तो हमने क्या पाया कि इन्होंने अपने उस पति की फ़ोटो भेज रखी थी, अपनी बहू की फ़ोटो भेज रखी थी कि ये दोनों इकट्ठे रहते हैं और इन्हें छोड़ना चाह रहा है इनका पति। तो यानी कि इनके पति जो कि ससुर हैं, और उसी से उनका चक्कर हो गया है इनकी बहू का। तो आप हमारी जनता को बताओ हुआ क्या है एक्चुअल में। मेरे साथ मतलब रहते थे तो पता नहीं खुश रहते थे, और फिर जब से मतलब मैंने अपने बेटे की शादी करी तो वो आके मतलब पता नहीं क्या हुआ कि भी बहू ने मतलब अपने कुछ रंग ढंग दिखाए हुए, तो वो उनके चक्कर में फंस गए और मेरे को मतलब ब्लेड करने लग गए, मारने भी लग गए थे, और मेरे को इतना दुखी करा उन्होंने कि भी मतलब बहू के चक्कर में। तो अब बहू के साथ ही जो उसको मतलब जो सामान मुझे नहीं ला के देते थे वो बहू को ही ला के देने लग गए, और मुझे रात रात में मारते भी थे, कूटते थे। और तो भाई मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, वो लोग हमें जानते हैं कि हम वीडियो बना के एक्सपोज कर सकते हैं, तो जो उन्होंने शादी के लिए बोला था ना, तो मैंने एक दिमाग यही लगाया कि उन्हें शादी का नाम लेके बुला लेता हूँ। तो अब शादी का बोल के कि हाँ तुम्हारी हम शादी करवा देंगे, वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है तो तुम आ जाओ, तो वो लोग आ रहे हैं कि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, इस चक्कर में आ रहे हैं। ठीक है, तो कैमरा सेट कर ले, आपको साइड में होना है, मैं उनका वेट करता हूँ। तो लगा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कितनी देर में आ जाएंगे। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ, आपने हमें मैसेज किए थे इंस्टाग्राम पे कि शादी नहीं हो रही है। हाँ हाँ, वो शादी के लिए मैंने आपको कॉल किया था। मैंने आपको लोकेशन भेजी थी, पहुँच गई आपके पास? हाँ हाँ, मैं आ गई हूँ। कितनी देर में आ जाओगे? बस हम आ गए हैं उसी जगह पे ही हैं। आप कहाँ पे हो? बस थोड़ा सा पार्क के बीच की तरफ की लोकेशन है, उधर आ जाओ। जी बिल्कुल, मैं इधर ही हूँ, आई थिंक मैं आ रही हूँ। ठीक है, आ जाओ। ओके, कैमरा चालू करके रख बे, आ रहे हैं, किसी भी टाइम पहुंच जाएगी, वो इधर पार्क में घूम रही है। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, तो आप दोनों को शादी करनी है? ऐसा क्या दिक्कत हुई, इनके घर वाले नहीं मान रहे? नहीं। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? वो एज में डिफरेंट है ना, बोल रहे हैं कि एज में डिफरेंट है, तो नहीं हो सकता। समाज का चक है कि भाई समाज क्या कहेगा थोड़ा सा, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अच्छा, चलो ठीक है। वैसे हमने बुलाया है, हमारी टीम का एक बंदा आ रहा है, बैठो बैठो दोनों बैठो, हमारी टीम का एक बंदा आ रहा है, ठीक है, तो वो इस बारे में सारी चीज़ें देख दाखता है, तो वो सब चीज एक बार देख लेगा तो बताएगा। कोई दहेज वहेज का तो सीन नहीं है तुम्हारा? कुछ आपस में कुछ तुम दोनों को कोई इशू तो नहीं है? कोई कल को नहीं, कोई नहीं, दिक्कत कोई इशू नहीं, हम बहुत प्यार करते हैं आपस में और हमें कोई अच्छी लगती है बहुत। ठीक है, तो शादीशुदा हो आप? हाँ जी। और आप? मैं तो शादीशुदा। डाइवोर्स? हाँ जी, डाइवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स? ठीक है, दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। तो एक बात बताओ मुझे, फिर जब तुम दोनों राजी हो तो फिर क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर तो लोगों को। वो एज में डिफरेंट आ रहे हैं ना, तो एज की वजह से तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे? नहीं, मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे और इनके भी। देखो, हम तो उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बाकी हमारी एक टीम का बंदा है, वो आके वो देखता है ये सारे के सारे काम जो है, ठीक है, तो वो देखेगा, अभी हम बता रहे हैं। अरे भेजो भाई, उन्हें उसे भेजो जो बंदा है इनकी हेल्प करेगा। काम तो हम आपस में बहुत प्यार करते हैं आपस में, दूसरे से। अच्छा, आपस में प्यार करते हो तुम? हाँ जी। और इनसे? या जी, तेरा मतलब क्या है? तुम कहाँ से आई? मेरे को छोड़ के तुमने मतलब इसको मतलब तुम यहाँ पे तुम कैसे आ गई? कैसे आ गई तुम यहाँ पे? कैसे कह रहा तुम? जब हमें मैं तेरे को नहीं चाहता, क्यों यहाँ कर रही हो? अरे एक मिनट पहले बात हुआ है, कर रही हो यहाँ? मतलब क्या हुआ, तुम बुलाया किसने तुम्हें?
एक मिनट, तुम हटो, तुम हटो। नहीं, बुलाया किसने तुम्हें? मेरे को किसने बुलाया? क्या कर रहे हो? आदमी के पीछे पड़ गई है। मैं पड़ी हूं, तुम्हें क्या पड़ गई है? अपनी उम्र का तो लिहाज कर। तुम शर्म नहीं आ रही? नहीं है उम्र का लिहाज, नहीं शर्म नहीं आ रही? नहीं आ रही, नहीं आ रही शर्म? नहीं आ रही कि बेटी जैसी? मतलब नहीं आ रही है चलना? अरे किसने बुलाया? धक्का कैसे दे रही है? धक्का कैसे दे रही है? दूंगी यहाँ से, मेरे घर से धक्का क्या करना? मेरे आदमी की जिंदगी से नहीं नहीं जाऊंगी। जब इसने एक मिनट यार, जब इसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है तो तुम क्या कर रही हो? निकाल दिया। आराम से बात कर ले, ऐसा ऐसा धमका मत। तूने मैं धमका नहीं रही हूँ, ये कैसे बात कर रही है? इनका क्या काम है? किसने बुलाया इसे? मैंने कोई अभी कोई डिवोर्स वगैरह नहीं दिया है। तो बुलाया किसने तुम्हें? मेरे पास कहाँ से आगे कागज मिले? कागज वागज है भाई इसके? नहीं ये कागज वागज कुछ नहीं है। अरे जब इसको नहीं है तो कैसे डाइवोर्स हो गया भाई? जब इंटरेस्ट ही नहीं है इस औरत में तो फिर क्या डिवोर्स क्या होता है? मेरे को आप छोड़ दे, मेरी जिंदगी खराब कर दी आपने। डिवोर्स क्या होता है? जब तुम में इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर डिवोर्स क्या होता है? जरूरी है कि डिवोर्स लेना? तेरे को अपने आदमी हो रही क्या? नहीं हो रही, नहीं हो रही। मेरे आदमी पे बदल दिया, तेरे को अपनी उम्र का लिहाज नहीं हुआ? नहीं हुआ। उम्र का लिहाज नहीं हो रहा क्या? इतने बड़े उद्योग पे तू नजर मार रही है? नहीं हो रहा उम्र का लिहाज। तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने कोई नहीं छोड़ा, अपने अपने अपना जीवन जी। क्यों मैं क्यों? तुम चिल्ला कैसे रही हो? हटना, तू हटना, हाथ मत लगा मुझे। लगाऊंगी, हाथ मत लगा। लगाऊंगी मैं, क्या कर लूंगी? लगाइयो, लगाऊंगी तेरे को। मजबूर मत कर। बुलाया किसने यहाँ पे तुम्हें? किसी ने बुलाया, मैं खुद आई हूँ। पक्ष ले रहे हो क्या? कर रहे थे तुम शादी के लिए बुलाया तुमने? ये काम कर रहे हो? तेरे को अपनी उम्र का याद नहीं हो रहा? इतना बड़ा बुढ़ा हो गया, क्या काम कर रहे हैं? हम क्या गलत कर दिया? प्यार कर रहा है? मैं से प्यार करूंगा? मैं तेरे को मैं जानता नहीं हूँ तेरे को, ठीक है ना? हाँ, तुझे अकल भी है? अपने औलाद का घर खा रहा है तू? तुझे शर्म ना रही? मैं प्यार करता हूँ उससे। तुझे शर्म ना रही? मार क्यों रहे हो तुम? तो तेरे को शर्म नहीं आ रही? क्या शर्म आएगी? नहीं आई है? शर्म क्यों आएगी? अपनी उम्र का तो लिहाज कर ले। क्या है उम्र का लिहाज? और क्या अपनी उम्र का लिहाज क्या है? तुम चुप रहो, ठीक है? अपना काम कर ले। हाथ मत लगा। लगाऊंगी क्या? कर लेगी? लगा, मेरे आदमी को छीन रही है। मैंने छीना है? क्या मैंने छीना है? हम प्यार करते हैं आपस में? क्या क्या कहना है? मेरी जिंदगी खराब कर रही है? क्यों लगा रही है? अब छोड़ दो। दिया कैसे छोड़ दिया? क्या क्या सबूत है तेरे पास? क्या सबूत है? बता तो सही। आगे क्या करना चाहती है साबित? सारी घुटनों में चली गई है। तमीज है तुझे कुछ? शर्म लिहाज की चीज ही नहीं है। मेरी जिंदगी खराब कर रही है? जिंदगी खराब करने में लगा रहा है? इससे परेशान है? अपने घर पे ही तूने डाका डाल दे साले। अपनी बहू की नजर मार रहे हैं, तेरे को शर्म नहीं आ रही? इतनी बड़ी उम्र होगी ना, प्यार करने की उम्र नहीं होती, समझ गई? क्या उम्र नहीं होती? हम करते हैं प्यार दोनों, मेरे साथ आई क्या दिक्कत है? आपने तो बुलाया था कि शादी करा देंगे, आप तो इनको लेके आ गए। इनको लेके तुम जिंदगी खराब कर रहे हो, इसकी भी और उस लड़के की भी। इसके क्या जिंदगी खराब कर रही है? औलाद के घर खराब कर रहे? तू अकल ना आई? शर्म ही नहीं आ रही? बता, जब हम दोनों खुश है तो जिंदगी किसकी खराब हो रही है? दोनों राजी है तो सर उसमें क्या दिक्कत है? किसी को पहले क्यों ना बता दिया उन्हें? अरे अब तक भी डिवोर्स क्यों ना दिया? बकवास कर रहा। अरे डिवोर्स क्या? कल को ले जाके सारी प्रॉपर्टी पैसे बिठा दिए, मेरी जिंदगी और खराब करके रख दी इन्होंने। इनका क्या है? डिवोर्स दिया ना कुछ दिया? चल कितने दिन की जिंदगी है तुम्हारी? मर जाओगी कल को तो तुम ले जा रहा है। रहना क्या है? हाथ क्यों चला रहे हो तुम? तुम हाथ क्यों चला रहे हो? एक तो घर खराब कर दिया उसका, ये कर रही है। तुम क्या चाहते बन रहे? तुम्हारा घर खराब, ले जाओ अपने घर, ले जाओ अपने घर। तुम्हें ज्यादा हो रहा है? बेटा है क्या? हो गया बेटा है तुम्हारा? अपना बेटा तो संभाला नहीं जा रहा, दूसरा बेटा संभाल रहे हो तुम? तू मैं अपने पति तो संभाल नहीं जा रहा? नहीं संभालना, नहीं संभालना, क्या नहीं संभालना? उम्र का तो लिहाज कर ले। मेरा घर बर्बाद करके चल, मेरे घर से निकल। कैमरे को चालू रख, इनकी हरकत रिकॉर्ड हो गई है ना। करके चालू करके चालू रख, चालू बकवास कर रहे हैं। क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे? पता नहीं कैमरा कैमरा क्यों मार रहे? क्या हरकत कर रहा तू? बकवास कर रहा? क्यों मार रहे हो सर आप? मुंह से बात करो ना, मुंह से बात करो। आप मारे जा रहे हो? कैमरा क्यों लगवाया आपने? क्यों बजा हुआ है तू उस पे? इधर आना। क्यों मारे? वो मैं ना दिख रहा मेरे को? बढ़िया अच्छी लगती सर ये? अच्छी ना लगती तो क्या मारेगा? मार क्यों? ये तमाशा करवा रही है जब ना दिखा दिया? बकवास कर रही है? बस शादी वाली जाएगी वीडियो? मार क्यों रहे हो तुम? बस शादी वाली वीडियो जाएगी? मार क्यों रहे हो? तुम्हारी ये हरकत भी जाएगी सब। कैमरा बंद तो कर। पब्लिक के सामने कैमरा बंद ना होने का है? कैमरा सोच रहे रिकॉर्ड ना करने के? सर कैमरा क्यों लगवाया है? बात करनी है। देख रहे हो भाई, इसने ये कह के बुलाया कि हमारी शादी करवा दो, और देख लो ये क्या काम कर रखे इन्होंने। सर ये बार भी हमें जीने दे रही, घर में भी हमें ताने मारती है ये।
ताने के काम करोगे तो कैमरा बंद होने का है यहाँ से सारी बैठ के बात कर लेते ना आप आराम से। आपने कैमरा क्यों चालू किया? कैमरा चालू अरे बुलाना था करता तू, तुम्हारी हरकतें दिख रही थी, तुम तो मना करते थे। कौन सी हरकत है? कागज दे ना, कागज है ना तेरे पे, दिखा। छुटकारा चाहिए, कुछ नहीं है सकती मैं इसके साथ, अब मुझे छुटकारा चाहिए। मार क्यों रहे हो? धक्का क्यों दे रहे हो सर आप इसको? बताऊं मैं, बताऊं तुझे क्यों मार रहे हो तुम? बस कर रहा है, मैं छोड़ना चाहती हूं इस आदमी को, मुझे रखना ही नहीं है इस आदमी को। देखो मैं सारे वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं तेरे साथ रहता नहीं हूं। देखो भाई, इसने तो मेरी जिंदगी खराब कर, इसके साथ ही रहूंगा। अरे कैमरा तो बंद करवा दो, कैमरा बंद होने के जाएगी वीडियो क्यों बनवा रही हो? तुम दोनों की तुम करवाओगे, तुम मैं आज यहाँ आयो कल को किसी और के पास जाके कहोगे शादी करवा दो। सर कैमरा तो बंद करवा दो, वीडियो क्यों बना रहे हो? और चक्कर में पैसे वैसे मार लियो, फिर बकवास कर रहे हो? खुद ने देखा कि मेरी जिंदगी समाज का डर है, खराब नहीं करेगा ये समाज का डर है तुझे? तेरे को इतना हैरान नहीं हुआ? बंद करवा दो, वीडियो क्यों शूट कर रहे हो? तेरी जिंदगी क्या रख देगा वो तेरे को? सर वीडियो बंद कर, देखो देख इन दोनों की शक्ल, देख लो देखो इन दोनों की शक्ल, समाज का डरता है शादी करवा दो सर, ये आप जानते नहीं उसको, तू बोले जा रहा। अच्छा सर रहने दो ना सर, कैमरा तो बंद करवा दो।